ओके नाउ माय टुडेज टॉपिक इज एमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ ई लर्निंग। अगर हम आज बात करें कि हम किस परिस्थिति में रह रहे हैं, तो दो लाइनों के साथ शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की कि परिस्थिति की पाठशाला ही इंसान को वास्तविक शिक्षा देती है। ई लर्निंग जो कभी बोझ सी लगती थी, आज हमारे बोझ को कम कर रही है। एंड इट्स वेरी ट्रू। कभी हमें बड़ा ये लगता था कि ये ऑनलाइन ई लर्निंग वेबिनार्स कैसे करें, क्या करें, लेकिन आज ये हमारी ज़रूरत बन गई है और आज हमें इसको सीखने की ज़रूरत है। तो जब हम ई लर्निंग की बात करते हैं तो बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं हमारे दिमाग में, बहुत सारी चीज़ें आते हैं। लेकिन अभी हम आज शुरुआत करते हैं आज के दौर से और आज के दौर में इसकी क्या आवश्यकता है, और ख़ास तौर से हम बात करेंगे जो हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि उनको ये सब जानने की आवश्यकता क्यों है, ई लर्निंग के बारे में क्यों वो जाने, क्या ज़रूरत है, आगे फ्यूचर में उनके लिए कैसे ये उपयोगी होगा। तो इट इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट दैट वी ऑल आर गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम एंड स्टक इन अ इन वन प्लेस, बट समवेयर इट हैज़ ओपन डोर्स एंड एवेन्यूज एंड हैज़ ऑफर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एंड अपॉर्चुनिटीज थ्रू ऑनलाइन मीडियम विच वॉज नॉट प्रिवलेंट एंड विच वॉज नॉट वेरी पॉपुलर अर्लियर इन आर कंट्री। बट नाउ सी हाउ इट इज़ बिकमिंग वेरी पॉपुलर इन आर कंट्री दीज डेज। देर इज सम रीज़न एंड वॉट रीज़न इज बिहाइंड दैट। जस्ट सी कि जब पहले की हम बात करते थे तो हमें लगता था कि अगर हम वेबिनार कर रहे हैं तो वॉट इज़ द रेलिवेंस ऑफ डूइंग दिस वेबिनार। लेकिन आज के दौर में इस वेबिनार से ही काम चल रहा है, हम एक दूसरे से इंटरेक्शन कर पा रहे हैं, हम एक दूसरे से एकेडमिक एक्टिविटीज़ कर पा रहे हैं, वी आर एबल टू एक्सचेंज आर व्यूज़ ऑल्सो एंड देर इज ईजी एक्सेसिबिलिटी थ्रू इंटरनेट द ग्रुप एज वेल एज इंडिविजुअल एंड वन टू वन कनेक्शन इज ऑल्सो पॉसिबल। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट विल बी अ बोन फॉर द स्टूडेंट्स दोज हु आर टेकिंग प्राइवेट एजुकेशन एंड वी कैन एक्सेस एनी टॉपिक एनी सब्जेक्ट एनी वेयर इन द वर्ल्ड जस्ट बाई क्लिकिंग वन बटन एंड अनडाउटेडली इट विल हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड करियर एनहांसमेंट ऑल्सो। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करते हैं। यस्टरडे आई सॉ अ वीडियो, बड़ा ही मार्मिक वो वीडियो हमें लगा। क्योंकि दैट वॉज रिलेटेड टू टीचर्स कि एक डॉक्टर थे, सर्जन थे, और उन्होंने अपने व्यूज शेयर किए थे उस वीडियो में, और उन व्यूज़ में वो किस तरह से एक पेरेंट की तरह अपने व्यूज़ दे रहे थे। तो उन्होंने बताया, हिज नेम वॉज डॉक्टर रॉबर्ट, और उन्होंने अपने व्यूज़ उस वीडियो में बताए। हो सकता है आप लोगों ने भी ज़रूर देखा होगा व्हाट्सएप में उस वीडियो को, लेकिन दैट वॉज़ वेरी रेलिवेंट। और आज की परिस्थिति में अगर हम बात करें तो कैसे वो रेलिवेंट है, क्योंकि उस वीडियो में उन्होंने जो पहली लाइनें सुनाई, उन्होंने उसमें एक पेरेंट ने, एक मदर ने लिखा हुआ था टीचर्स के लिए, और उन्होंने बहुत ही नेगेटिव मैसेज दिया था टीचर्स के लिए कि जो ये ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है, ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू हम देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं कि किस तरह से टीचर्स आर नॉट वेरी ट्रेन्ड, दे आर नॉट गुड इन कम्युनिकेशन, दे आर नॉट गुड इन प्रोनंसिएशन, दे आर नॉट गुड इन दिस दैट, और बहुत सारी उन्होंने निगेटिव बातें उसमें लिखी थी एक मदर ने। तब जो डॉक्टर रॉबर्ट थे उन्होंने उसका जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मैं एक डॉक्टर हूँ, 20 सालों से मैं अपने इस पेशे में हूँ, और मैं एक बहुत बड़ा सर्जन हूँ। जब मैं कभी भी ऑपरेशन करने जाता हूँ, और अगर मुझसे कोई कह दे कि मेरे बच्चे का ऑपरेशन है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि हाउ स्किल्ड यू आर एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी द ऑपरेशन, कैन आई कम इन टू योर ऑपरेशन थिएटर, तो उस समय मेरे भी हाथ पैर फूल जाते हैं, मैं भी नर्वस हो जाता हूँ, जबकि मेरी 20 साल की प्रैक्टिस है। तो यही सिचुएशन आप देखिए कि अगर एक टीचर ऑनलाइन एजुकेशन आज की विषम परिस्थितियों में कर रहा है, तो कहीं ना कहीं
उसके लिए ये ऑड सिचुएशन हो सकती है बिकॉज ही और शी इज़ नॉट इन अ हैबिट ऑफ गिविंग लेक्चर्स ऑनलाइन। तो एक पेरेंट को, एक समाज के मेंबर को ये आज समझने की ज़रूरत है कि अगर टीचर प्रयास कर रहा है, क्यों? क्योंकि देखिए, एक फेस टू फेस क्लास लेना और एक ई लर्निंग करना, ई टीचिंग करना, ये दोनों में बहुत अंतर होता है। और बहुत अंतर ये कैसे होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नाउ इन वर्चुअल प्लेटफॉर्म लिसनिंग एंड कम्युनिकेटिंग बोथ आर कंट्रोल्ड बाय अ क्लिक। एक बटन दबाया नहीं कि हमें नहीं सुनने की मर्जी है, हम नहीं सुनेंगे, हम एक बटन दबाएंगे, हमें अगले को बोलने की इजाज़त नहीं देनी है तो हम नहीं देंगे। तो क्यों टीचर्स पे इतना बोझ डाला जाए? टीचर भी आज की विषम परिस्थितियों में धीरे धीरे सीखने का प्रयास कर रहा है कि हम इस वर्चुअल वर्ल्ड में कैसे एडजस्ट करें, कैसे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएँ। क्योंकि जब आप एकदम से कभी कैमरे के सामने जाते हैं या आप एकदम से, क्योंकि अभी हम आपसे बात करेंगे कि ई लर्निंग में कैसे चीज़ों से हम जुड़ते हैं, कैसे लर्न करते हैं, कैसे टीच करते हैं। तो कभी भी किसी को एकदम से दोष देना, दैट इज़ नॉट करेक्ट। तो ई लर्निंग का जो प्लेटफॉर्म है, एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, एज अ स्टूडेंट, वी नीड टू लर्न हाउ टू टैकल विद ऑल दीज लर्निंग एंड दीज टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जिसकी आज हमें चर्चा करनी है, ई लर्निंग के बारे में। लेकिन उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बेसिक चीज़ों के हम आपसे बात करेंगे जो कि ई लर्निंग से जुड़े हुए हैं। देखिए, जब व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द जनरेशंस, हम कहते हैं हमारे पास एक दो तरह की जनरेशन होती हैं, ओल्ड जनरेशन एंड न्यू जनरेशन। लेकिन when we talk about the digital generation, we are having three kinds of generations. Three kinds of generations means we are having, first generation is called digital immigrants. Digital immigrants मतलब कि those who born before the emergence of technology. वैसे तो technology बहुत पुरानी है, लेकिन फिर भी आज हमारे साथ ऐसी पीढ़ी भी है जो आज भी पसंद करती है कि newspaper hard copy में हमें मिले और हम उसको पढ़ें। आज भी पसंद करती है कि एवरीथिंग, वट एवर दे राइट इन रजिस्टर, दे पेन डाउन एवरीथिंग। तो हर चीज़ को वो एक मैकेनिकल तरीके से अपने ही सिस्टम से करते हैं। इसी तरह से हमारे साथ एक दूसरी जनरेशन है, डिजिटल नेटिव्स। डिजिटल नेटिव्स का मतलब है, हो सकता है इस श्रेणी में हम और आप लोग आते हों, यानी दोज हु बॉर्न आफ्टर द एमरजेंस ऑफ टेक्नोलॉजी बट स्टिल दे आर नॉट फुल्ली वेल इक्विप्ड विद टेक्नोलॉजी। हम आज कोशिश कर रहे हैं कि वेबिनार कैसे अटेंड किए जाएं, वेबिनार कैसे कंडक्ट किए जाएं, इस तरह की चीज़ें हम सीख रहे हैं। तो यानी डिजिटल नेटिव्स आर दोज पीपल और दोज टीचर्स, दोज हु आर ट्राइंग टू लर्न, यानी वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करते हैं और अपनी चीजों को पेन डाउन भी करते हैं। बट नाउ वी आर हैविंग डिजिटल इनहेबिटेंट्स। डिजिटल इनहेबिटेंट्स कौन है? दोज हु बॉर्न टोटली इन द प्रेजेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, जिन्होंने जो कुछ आज आप देख ही रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी हमारे सामने है, यानी कि वो जन्म ही कंप्यूटर के एज में ले रहे हैं, आते ही मोबाइल हाथ में रखते हैं, आते ही वो चीजों को सिर्फ कंप्यूटर या आईसीटी, इन सब का ही टर्म सुनते आते हैं और उसी के बीच जीते हैं, उसी के बीच रहते हैं, उसी के बीच खाते हैं। तो जब ये तीन तरह की जनरेशन हमारे सामने हैं, और बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी हैं जो कि डिजिटल इमिग्रेंट्स की श्रेणी में आते हैं, दे आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन यूजिंग टेक्नोलॉजीज, स्पेशली इन द क्लासरूम टीचिंग, दे स्टिल लव टू यूज चॉक एंड बोर्ड, दे स्टिल लव टू गिव देयर लेक्चर्स, नरेशन करना चाहते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, वो केवल उन्हीं की बात करना चाहते हैं जो कि उनको अच्छी लगती है, यानी टीचर सेंटर्ड क्लासरूम को वो आज भी पसंद करते हैं। तो इस तरह से जब हमारे पास तीन तरह की जनरेशन हैं, तो कहीं ना कहीं इन तीनों जनरेशन में एक गैप आ जाता है
और अगर हम बात करें डिजिटल इमिग्रेंट्स की और डिजिटल इनहेबिटेंट्स की, तो ये गैप कुछ ज़्यादा हो जाता है। तो इस ज़्यादा गैप को भरने के लिए कहीं ना कहीं हमको जो हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है उसको जानने की ज़रूरत है, उसको पढ़ने की ज़रूरत है, और एक ही दिन में हम सारी चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। तो दैट इज़ वाई वी नीड टू लर्न ऑल दीज थिंग्स रिलेटेड टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़। उसी में ही ई लर्निंग का कंसेप्ट जो आता है, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अब अगर हम बात करें एक टीचर की दृष्टि से, एक शिक्षक की दृष्टि से, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टेक्नोलॉजी होती है टीचर के पास, कैन यू ऑल गेस, जो टेक्नोलॉजी टीचर्स के पास है वो है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि संप्रेषण तकनीकी, जो कि शिक्षक का एक बहुत बढ़िया टूल होता है उसके पास, और वो अपने कम्युनिकेशन को जितना अच्छा बनाता है वो उतना अच्छा शिक्षक बनता है। लेकिन उसके पीछे भी कुछ और चीज़ें हैं, लेकिन कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं और हम पुराने प्राचीन काल से इन चीज़ों को देखें, प्राचीन काल से इनको समझने का प्रयास करें, तो आप देखिए कि एंशियंट पीरियड में जब कम्युनिकेशन की बात करते थे तो ये 1-to-1 कनेक्शन होता था। 1-to-1 कनेक्शन कैसे होता था कि फेस टू फेस ज़्यादा होता था, एक शिक्षक होता था और एक विद्यार्थी होता था, और वो दोनों आपस में इंटरैक्शन करते थे, आपस में अंतःक्रिया करते थे, और एक शिक्षक बहुत अच्छी तरह से समझता था कि एक हमारे विद्यार्थी को किस चीज़ की आवश्यकता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या हम इनको पढ़ाएं कि बच्चा अच्छे से चीज़ों को समझ सके। फिर समय बदला, समय के साथ साथ 1-to-many का कंसेप्ट आया, बट येट कनेक्शन वॉज 1-to-1। 1-to-1 कैसे, जस्ट रिमेम्बर, आजकल आप लोग भी महाभारत देख रहे होंगे, और महाभारत काल की अगर हम अपने मानस पटल पर लेकर आए इन चीज़ों को, तो आप ये देखेंगे कि उस समय जो 5 पांडव थे उनको शिक्षा देने के लिए गुरु द्रोणाचार्य थे, यानी 1-to-many का कंसेप्ट था, एक शिक्षक और ज़्यादा विद्यार्थी। लेकिन 1-to-1 कनेक्शन कैसे था, 1-to-1 कनेक्शन के लिए जो गुरु था उसको पता था कि एक जो विद्यार्थी है वो किस चीज़ में हुनर रखता है, तो उसने उसी तरह से, जो गुरु थे उन्होंने उसी तरह से स्टूडेंट्स को विद्या देना प्रारंभ किया और उनको उन्हीं के हुनर में पारंगत बना दिया। उसके बाद धीरे धीरे फिर समय बदला, जनसंख्या बढ़ी, या आप कह लीजिए माहौल बढ़ा, तो उसके बाद जो कम्युनिकेशन हुआ, जो संप्रेषण की तकनीकी आई, वो 1-to-many का कंसेप्ट आया। 1-to-many यानी एक टीचर और बहुत सारे विद्यार्थी, पहले बहुत थे अब बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी, यानी यहाँ पर कंसेप्ट आया कि क्लासरूम का, कि क्लासरूम में एक टीचर है और 40 मान लीजिए विद्यार्थी हैं, 25 भी हैं अगर, तो सब चीज़ें एक सीमा में बंध गई। सीमा में कैसे बंध गई, कि लिमिटेशन ऑफ 4 walls, लिमिटेशन ऑफ एज, लिमिटेशन ऑफ सिलेबस, बहुत सारी चीज़ें सब सीमाओं में बंध गया। तो 1-to-many का जो ये कनेक्शन था, ये संप्रेषण था, ये बहुत ही सीमाओं में बंद के, लेकिन फिर भी एक शिक्षक विद्यार्थी के मन को समझने का पूरा पूरा प्रयास करता था। फिर इसके बाद जो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई सामने, टेक्नोलॉजी बहुत सारे, जैसे आपने देखा होगा रेडियो, टीवी, इस तरह की चीज़ों का आविष्कार होता गया, तो 1-to-2-many का कंसेप्ट आया, यानी कि एक विद्यार्थी को या बहुत सारे विद्यार्थियों को एक ही शिक्षक को पढ़ाना है तो वो कैसे पढ़ाए, बहुत दूर है, बहुत वहाँ पे वो नहीं जा सकता है, तो उसने तकनीकी का, यानी ये जो टूल्स थे इनका प्रयोग करना शुरू किया, और मास एजुकेशन और जो हमारी मास मीडिया थी उसका कंसेप्ट स्टार्ट हुआ। तो 1-to-many यानी रेडियो और टेलीविज़न की सहायता से शिक्षा दी जाने लगी। इसके पश्चात फिर समय बदला, फिर, और देखिए ये जो समय बदल रहा है, ये जो तकनीकी आविष्कार धीरे धीरे हो रहे हैं, ये सारे हमारी आवश्यकताओं के अनुसार हो रहे हैं, कि जिस समय जो नीड ऑफ द आर होती है, आविष्कार उसी तरह से होते चलते हैं।
तो इसके पश्चात आया मैनी टू वन का कंसेप्ट। अब आपको एक उदाहरण देते हैं, यू ऑल मस्ट हैव हर्ड अबाउट द विकिपीडिया। विकिपीडिया में जो होता है, आपको अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, मतलब अगर हम अकेले कोई चीज़ पढ़ना चाहते हैं या बहुत सारे लोग, मैनी टू वन का कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि बहुत सारे शिक्षक अगर एक विद्यार्थी को पढ़ाना चाहें तो इसी माध्यम से पढ़ा सकते हैं। विकिपीडिया इसका उदाहरण है कि हम अकेले एक स्टूडेंट बहुत सारे लोगों से एट अ टाइम पढ़ना चाहें तो ये हमारे लिए एक माध्यम हो जाता है, यानी संप्रेषण का माध्यम फिर से बदला। फिर इसके पश्चात आप देखिए तकनीकी फिर बदलती गई, फिर चीज़ों में चेंज हुआ, यानी अब जो कंसेप्ट आया वो आया मैनी टू मैनी का कंसेप्ट। मैनी टू मैनी का कंसेप्ट जो आया उसमें बहुत सारे लोगों को एक साथ पढ़ाना या संप्रेषण प्रारंभ कर दिया। एक साथ कैसे पढ़ा रहे हैं, एक साथ कैसे, यानी कि आप इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जिसमें हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं, जिस इसमें हम लोग जो सुन रहे हैं, एक दूसरे से अंतःक्रिया कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो मैनी टू मैनी यानी कि बहुत सारे लोगों से एक साथ संप्रेषण कर सकते हैं। और एक साथ करने से क्या फायदा हो रहा है कि जब जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता है वो उसको समझने का प्रयास कर रहा है। जैसे आपको ये फेसबुक का प्लेटफॉर्म आप एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं और आज आप एक पर्टिकुलर थीम और टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे बहुत सारे लोग एज अ टीचर भी बैठे हैं, एज अ लर्नर भी बैठे हैं, और यहाँ पे हम भी एक एज अ टीचर एज अ लर्नर, यानी हम भी आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं, आपके मैसेजेस को पढ़ रहे हैं, आपके मैसेजेस का जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैनी टू मैनी कम्युनिकेशन इज गोइंग ऑन। तो देखिए कैसे कम्युनिकेशन का जो सिनेरियो है वो धीरे धीरे चेंज हुआ। एक एग्जांपल बहुत अच्छा व्हाट्सएप भी है आजकल की, मैनी टू मैनी, बहुत सारे लोगों से एक साथ चीज़ों को, लेकिन वहाँ पर भी हम बात करेंगे कि मैनी टू मैनी यानी वहाँ पर भी फोकस्ड होना ज़रूरी है। हम एंटरटेनमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन, अबाउट द इंफॉर्मेशन, अबाउट द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वेरियस अदर थिंग्स। तो इसलिए जो इंफॉर्मेशन, जो कम्युनिकेशन, यानी एक पुराना तरीका जो पहले हुआ करता था, वो पुराना तरीका क्या था कि एक शिक्षक ज्ञान को विद्यार्थी के मस्तिष्क में डालता था, और हम कहते थे ना कि पुराने ज्ञान को वो नए ज्ञान में चेंज करता है और फिर विद्यार्थी को ज्ञान देता है। आज ये काम कौन कर रहा है, ये काम आज तकनीकी कर रही है कि बहुत सारे टूल्स, हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, वो टूल्स हमारे इस काम को कर रहे हैं कि वो ज्ञान को विद्यार्थी को दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि हम एज अ टीचर या एज अ हायर एजुकेशन स्टूडेंट इन चीज़ों को, जो ई लर्निंग का कंसेप्ट है, ई लर्निंग क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसकी चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे। यहाँ पे अभी हम सिर्फ आपसे बेस की बात कर रहे हैं, इसके आधार की बात कर रहे हैं कि ये आधार क्या होना चाहिए, क्यों हमें जानने की ज़रूरत है। तो when I am talking about higher education system, तो हमारे दिमाग में सीधे UGC भी आ जाता है, यानी UGC ने कुछ कंसेप्ट दिए हैं, UGC ने API के बारे में बात की है, और उसमें आपने देखा होगा कि 2010 से API का कंसेप्ट जो आया उसमें धीरे धीरे किस तरह से परिवर्तन हुए, और आज जो परिवर्तन हुआ है यानी API 2018 में, तो उसमें बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बात UGC ने की है। तो UGC ने जो उसकी बात की उसमें उन्होंने कहा कि जब हम अपनी एजुकेशन सिस्टम को पढ़ें और पढ़ाएं, यानी एज अ टीचर एज अ स्टूडेंट वी शुड इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को हम कैसे इसको इंटीग्रेट करें। इसको इंटीग्रेट करने के लिए जस्ट अ मोमेंट, सम तो
इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम कैसे इस कंसेप्ट को अपने एजुकेशन सिस्टम के साथ जोड़ें, आईसीटी, इसके लिए उन्होंने एपीआई 2018 में कहा कि क्रिएशन ऑफ आईसीटी मीडिएटेड टीचिंग लर्निंग पेडागॉजी एंड कंटेंट डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड इनोवेटिव कोर्सेज एंड करिकुला। देखिए यहाँ पे वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि जस्ट अ मोमेंट, सम इंटरनेट प्रॉब्लम इज देयर। यस, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके ओके। तो जब ये यूजीसी के 2018 के जो कंसेप्ट की हम बात करें, तो इसमें उन्होंने साफ कहा, उसमें कहा कि क्रिएशन ऑफ आईसीटी मीडिएटेड टीचिंग एंड लर्निंग पेडागॉजी एंड कंटेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड इनोवेटिव कोर्सेज एंड करिकुला, इसको हम कैसे इंटीग्रेट करें अपने करिकुलम में और अपने को एनहांस करने में, स्पेशली जब हम अपनी टीचिंग पर्सनालिटी को एनहांस करते हैं। तो देखिए इसमें इन्होंने चार कंसेप्ट को कहा, इन्होंने जब हम एपीआई की बात करते हैं तो उसमें तीन कैटेगरी, तीन मेजर कैटेगरीज में जो तीसरी कैटेगरी है उसकी सब कैटेगरीज में लास्ट में आप देखिएगा उन्होंने आईसीटी की बात की है कि हाउ टू इंटीग्रेट आईसीटी, और आप इसमें अगर वर्क करते हैं तो आप इसको कैसे अपने जो भी आप अपना सीवी एनहांस करते हैं तो कैसे इसमें इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अब देखिए इसमें जो पहला कंसेप्ट इन्होंने लिया उसमें था आईसीटी की, तो हमने आपसे बात कर ही ली। इसमें ए कैटेगरी था जो तीसरे में इन्होंने लास्ट में जो लिया, तो उसमें ए में इन्होंने कहा डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव पेडागॉजी बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो जो इसमें बेस्ड ऑन इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, यानी जो भी हम इनोवेशन कर रहे हैं वो इनोवेशन हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो टूल्स हैं उनका यूज करके कैसे करें, तो पहला कंसेप्ट ये इन्होंने बताया यूजीसी ने। दूसरी बात इसमें इन्होंने की है डिजाइन एंड न्यू करिकुला एंड कोर्सेज, कि जो डिज़ाइन है, जो भी हम नया करिकुलम बनाएं, जैसे कि अब बात की जा रही है प्रेजेंट सिनेरियो आप देख लीजिए जिसमें कि अभी भी हम भविष्य को लेके थोड़ा सा अनिश्चितता में हैं, अभी हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा वो नहीं कर पा रहे हैं, प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसे चलेगा, क्या चलेगा, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं इसकी चर्चा जरूर करते हैं कि हम अपने जो ट्रेडिशनल टीचिंग है उसमें ऑनलाइन एजुकेशन को जरूर इंटीग्रेट करें। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने कह भी दिया है कि वी विल ट्राई टू कम्प्लीट आर 25-30% कोर्स विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। तो इसके लिए अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें तो उसमें जब तक हम सिलेबस में या करिकुलम में इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे तब तक हम इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो जो यूजीसी ने कहा उसमें जो बी पार्ट था जो एपीआई के कैटेगरी 3 के सब हेडिंग में, तो दैट वाज डिज़ाइन ऑफ न्यू करिकुला एंड कोर्सेज। फिर तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट जो सी में उन्होंने बात की वो कहा मूक्स, कि हर एक टीचर को मूक भी आना ज़रूरी है, कि मूक को अटेंड कैसे किया जाता है और मूक को डेवलप कैसे किया जाता है। मूक मींस MOOC, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो अगर ये मूक जो है इसको हम कैसे डेवलप करें, कैसे इसको हम किस इस पर वर्क करें, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी चर्चा आपसे आपने और लेक्चर्स में भी सुन चुके हैं तो इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन नेक्स्ट इसमें जो चौथा डी वाला पार्ट बताया वो था दैट वाज अबाउट ई कंटेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम आपको इसलिए बता रहे हैं बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ई लर्निंग, और ई लर्निंग में जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें क्या होती हैं कि आपको ये सारे कंपोनेंट आपके ई लर्निंग में आ जाते हैं।
तो नाउ दे टॉक्ड अबाउट ई कंटेंट. ई कंटेंट यानी जो आपकी कैटेगरी डी थी, कैटेगरी डी नहीं यानी कैटेगरी थ्री के जो सब हेडिंग में डी पार्ट था, दैट वाज अबाउट ई कंटेंट. अब ई कंटेंट को डेवलप कैसे किया, क्योंकि बहुत बार अभी बिकॉज वी आर नॉट कंप्यूटर प्रोफेशनल्स, वी आर जस्ट टीचर्स, वी आर जस्ट लर्नर्स, तो वी ट्राई टू कन्वर्ट आर बेसिक कंसेप्ट इनटू ई कंटेंट, यानी जो हमारी बेसिक कंटेंट होता है उसको हम कैसे ई कंटेंट में कन्वर्ट करें. तो केवल किसी कंटेंट को टाइप कर देना मात्र ई कंटेंट नहीं कहलाता है, इसलिए बहुत सारी चीज़ों को आज हमें समझने की ज़रूरत है, दैट बेसिकली व्हाट इज ई कंटेंट, हाउ वी कैन यूज़ दिस ई कंटेंट एंड हाउ वी कैन डेवलप दिस ई कंटेंट. इसी तरह से अब आते हैं हम अपने ई लर्निंग के कंसेप्ट में, बट बिफोर डिस्कसिंग अबाउट ई लर्निंग आई विल डिस्कस विद यू सम बेसिक टर्म्स विच वी जनरली वी यूज इन ई लर्निंग, क्योंकि ये बेसिक और टेक्निकल टर्म्स अगर हम आपस में नहीं समझते हैं तो क्या है, तब आप अपने ई लर्निंग के बेस को मजबूत नहीं कर पाते हैं. तो दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी, दैट इज़ वाई इट इज़ मस्ट कि दैट यू मस्ट नो अबाउट द टेक्निकल टर्म, एजुकेशनल टर्म्स रिलेटेड टू ई लर्निंग. तो सबसे पहला टर्म है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग. कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग is a general term that relates to all training and the things or the content when delivered with the help of computer. जब हम computer का use करते हैं, computer की चीज़ों को, computer को एक tool की तरह हम use करते हैं, तो that is computer based training. इसका ये this is a broad concept, बस यहाँ पर हम आपको एक एक line में थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे कि actually ये e-learning में कैसे काम आते हैं, कैसे आपको हेल्प करते हैं. नेक्स्ट टर्म इज हाइपर लिंकिंग. ये टर्म आपने बहुत सुना होगा और यहाँ पे हम इन चीज़ों को बिल्कुल इस तरह से बता रहे हैं कि मान लीजिए आप जानते भी होंगे तो आप उसमें थोड़ा सा एड ऑन कर सकते हैं. हाइपर लिंकिंग का मतलब है लिंकिंग, यानी लिंकिंग ऑफ वेरियस कंटेंट, वेरियस मीडियाज इन योर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म. अब वो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म क्या होता है, देखिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी जिस प्लेटफॉर्म पे आप लर्निंग कर रहे हैं या टीचिंग कर रहे हैं. तो यहाँ पे हाइपर लिंकिंग यानी ब्रांचिंग भी हो सकती है और लीनियर भी हो सकती है, एक दूसरे से जो चीज़ें कनेक्टेड होती हैं. एंड देर आर टू फॉर्म्स ऑफ हाइपर लिंकिंग, फर्स्ट इज हाइपर टेक्स्ट एंड सेकेंड इज हाइपर मीडिया. जब टेक्स्ट टेक्स्ट आपस में कनेक्टेड होते हैं, जैसे हमने कोई डेफिनेशन दी और उस डेफिनेशन में एक पर्टिकुलर शब्द मान लीजिए बीच में आया कंप्यूटर, तो वो जो शब्द कंप्यूटर आया और उस कंप्यूटर को और ज़्यादा हम डिफाइन करना चाहते हैं, तो उस कंप्यूटर का डिटेल, जो भी डिटेल कंटेंट है उसको हम उस कंप्यूटर शब्द के साथ लिंक कर देते हैं कि इफ़ आई नीड आई कैन क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर टर्म एंड देन आई कैन गेट रेस्ट ऑफ द मटेरियल रिलेटेड टू कंप्यूटर. तो दिस इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट. इसी तरह से दूसरा कंसेप्ट आता है हाइपर मीडिया. हाइपर मीडिया मीन्स व्हेन वी कनेक्ट ऑडियो एंड वीडियो विथ अनदर मीडिया, कि हमें मान लीजिए कोई ऑडियो है और उस ऑडियो के अंदर कोई और ऑडियो सुनाना है या वीडियो के अंदर और कोई वीडियो, या इस तरह से कनेक्टेड करना है या किसी टेक्स्ट के साथ भी करना है हमको कोई मीडिया कनेक्ट, then what we can do, we can link it with other media. So this is called hyper media. इसी तरह से एक बहुत important term आता है, that is Moodle. Moodle आप लोगों ने सुना होगा, इसका ये शब्द बहुत popular है आजकल और इसको हम दो forms में use करते हैं Moodle को. Moodle को कैसे दो form में करते हैं कि जो Moodle का अगर हम एक particular basic term लें तो इसका मतलब है modular object ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट. इसका तात्पर्य ये है कि हम ई लर्निंग तो कर रहे हैं, हमको MOOC भी बोल दिया गया कि हम MOOC कोर्सेस कर लें, हम सब कुछ कर लें और हमने बहुत अच्छा सा एक MOOC कोर्स डेवलप भी कर लिया, बट इफ़ आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट वेयर टू लॉन्च दिस प्रोग्राम, वेयर टू स्टार्ट दिस प्रोग्राम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो ये मॉडल होता है, मॉडल आपको वर्चुअल वर्ल्ड में, वर्चुअल एनवायरनमेंट में एक प्लेस देता है, एक स्थान देता है जहाँ पे कि आप इन कोर्सेज को कर सकें, इन कोर्सेज को
लर्न कर सकें, इन कोर्सेज को आप लॉन्च कर सकें। तो देखिए यहाँ पे जो टर्म आ रहा है कि मॉडलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट, डायनेमिक का मतलब यहाँ पे है कि हम ब्रांचिंग फॉर्म में हम कैसे भी अपने हिसाब से एक चीज़ों को कर सकते हैं। और इसका ही एक दूसरे फॉर्म में भी हम यूज़ करते हैं कि जो मॉडल है, मॉडल एक तरह का सॉफ्टवेयर पैकेज भी होता है। मॉडल इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज डिजाइन टू हेल्प एडुकेटर्स टू क्रिएट क्वालिटी ऑनलाइन कोर्सेज। अगर मान लीजिए हम आई एम नॉट अ वेरी गुड इन कंप्यूटर्स एंड आई एम नॉट अ कंप्यूटर प्रोफेशनल, तो हम एज अ टीचर ट्रायल एंड एरर लर्निंग से कैसे अपने कोर्स को बनाएं और कैसे अपने कोर्स को लॉन्च करें, तो भी एक मॉडल आपको एक प्लेटफॉर्म देता है। इसको हम LMS सिस्टम भी कह देते हैं कई बार, LMS यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अब आज आप देखें कि हमको आवश्यकता किस चीज़ की पड़ रही है। हमको आवश्यकता, अगर हम किसी विद्यालय के प्रिंसिपल हैं या हम हेड हैं या हम कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हैं या हम टीचर हैं और या हम विद्यार्थी हैं, तो हम लोगों को आवश्यकता किस चीज़ की पड़ रही है। हम घर में हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो पा रही हैं कि हम किताबों को ला सकें, पढ़ सकें या फेस टू फेस इंटरेक्शन कर सकें। तो हम क्या चाह रहे हैं कि हमारे पास वर्चुअल एक इस तरह का एनवायरनमेंट हो जिसमें जो कुछ हम क्लासरूम में करते हैं वो सारी चीज़ें हम कर सकें। तो LMS जो है वो आपको पूरा पढ़ने और पढ़ाने का एक सिस्टम देता है। कहाँ पर देता है? वर्चुअल वर्ल्ड में, आपको आपके जो साइबर स्पेस है उसमें आपको ये जगह देता है। इसके बाद एक टर्म आता है सिंक्रोनस। इसकी चर्चा हम आपसे बाद में भी करेंगे जिस समय ई लर्निंग के कंसेप्ट को बताएंगे कि सिंक्रोन, ये टर्म बार बार बहुत आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब है इट प्रोवाइड्स फॉर रियल टाइम कम्युनिकेशन। अभी जो हम आप एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज़ कर रहे हैं, दिस इज सिंक्रोनस, यानी रियल टाइम में हम इस समय आप हमसे बात कर सकते हैं और हम आपसे बात कर सकते हैं। वो मोड कोई भी हो सकता है, वो मैसेजेस भी हो सकते हैं, वो हमारे जो बातचीत करके भी हो सकते हैं और मैसेजेस के थ्रू भी हो सकते हैं। इसमें यानी कि जो लर्नर होता है, द लर्नर एंड द फैसिलिटेटर आर ऑनलाइन एट द सेम टाइम। दोनों जो सीखने और सिखाने वाले होते हैं वो दोनों उसी समय उपस्थित होते हैं। वेब कॉन्फ्रेंसिंग है इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इसके बाद एक टर्म आता है असिंक्रोनस। असिंक्रोनस का मतलब है कि कंप्यूटर असिस्टेड ट्रेनिंग वेयर द इंस्ट्रक्टर एंड द पार्टिसिपेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन द कोर्स बट नॉट इन रियल टाइम। यानी कि अभी जैसे हम आपसे कुछ जानना चाहें या आप हमसे कुछ जानना चाहें, हो सकता है हम दोनों एक साथ प्रेजेंट ना हों, लेकिन ईमेल से आपने हमें कुछ भेज दिया तो जब हमें समय हमने आपके प्रश्नों का उत्तर दे दिया, तो एक टाइम में ही एक व्यक्ति प्रेजेंट रहता है लेकिन उसकी समस्याओं का समाधान समय के साथ साथ हो जाता है। अब देखिए इसके बाद जो एक और बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो ई लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे आपको समय समय पे ज़रूरत पड़ती है और उसको हम समय के साथ साथ आपको बताते भी चलेंगे। अब स्टार्ट करते हैं, हम आते हैं अपने बेसिक कंसेप्ट पे, ई लर्निंग। अब ई लर्निंग बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को कि ई लर्निंग एक्चुअल में है क्या, यानी हम कंप्यूटर मोबाइल से जो कुछ पढ़ रहे हैं वो ई लर्निंग है। कई बार होता है यस और कई बार होता है नो। तो उसमें आखिर बेसिक चीज़ें क्या आती हैं, क्या हैं? तो अब आते हैं कि फिर से वही थोड़ा सा पीछे चलते हैं, पुराने ज़माने की बात करते हैं कि सबसे पहले जो कंसेप्ट आया वो आया टेक्नोलॉजी का। ई लर्निंग क्यों? क्योंकि ई लर्निंग इज़ अ पार्ट ऑफ ICT। अगर राइट नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट ई लर्निंग, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ICT। लेकिन ICT से पहले हम टर्म यूज़ करते थे IT और IT से पहले टर्म यूज़ करते थे टी। ओनली टी मीन्स टेक्नोलॉजी। तो थोड़ा सा इसके कंसेप्ट को भी समझने का प्रयास करें कि वॉट इज द मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। अब आपको हम सिंपल, अगर आपसे पूछें दैट वॉट इज द मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, तो आपके पास बहुत सारे आंसर होंगे, बहुत सारी चीज़ों को आप हमें बता सकते हैं और ख़ास तौर से बताते हैं कि
ऐसी चीज़ें जो कि हमारे काम को सरल करती हैं, जो हमारी चीज़ों को सुविधाजनक बनाती हैं। तो जो टी है यहाँ पे, टी का एक्चुअल मीनिंग होता है टेक्नोलॉजी, एंड दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। अब देखिए, कई बार हम क्या होता है, टेक्नोलॉजी को कन्फ्यूज करते हैं कि केवल जो टूल्स होते हैं वो टेक्नोलॉजी है। नो, इसका एग्जाम्पल हम देते हैं। सपोज आई एम हैविंग अ मार्कर और आई हैव टू राइट ऑन वाइट बोर्ड विद द हेल्प ऑफ मार्कर। तो इफ आई एम नॉट यूजिंग दैट मार्कर फॉर मेकिंग ड्रॉइंग्स और फॉर राइटिंग ऑन वाइट बोर्ड, बाय दैट टाइम इट इज ओनली अ टूल, एक टूल है वो। लेकिन इफ आई एम यूजिंग दैट पर्टिकुलर मार्कर टू मेक माई स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, एंड आई एम यूजिंग दैट फॉर ड्रॉइंग और फॉर राइटिंग समथिंग ऑन वाइट बोर्ड, देन इट इज अ टेक्नोलॉजी। मीन्स टूल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, कि कोई भी टूल को एक विधि, एक प्रविधि के तहत अगर हम इस्तेमाल कर, अगर हम उस मार्कर का प्रयोग किसी को ऐसे ही फेंक के मारने में करते हैं तो वो क्या है, वो एक हथियार है, सिंपल, वो केवल एक टूल है, तब आप उसमें उसको टेक्नोलॉजी नहीं कह सकते हैं। तो जो ये टेक्नोलॉजी थी, यही आगे जब आई, जब आगे हमने आपको बताया था कि मास कम्युनिकेशन यानी रेडियो टेलीविज़न का आविष्कार हुआ, तो इसी तरह से तब कंसेप्ट आया आईटी का। आईटी का कंसेप्ट यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी उस समय ऐसे टूल्स का डेवलपमेंट हुआ, दोज विच वर एबल टू गिव अस इंफॉर्मेशन, जो हमें इंफॉर्मेशन दे सकते थे, जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है, उसके द्वारा हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन को गैदर कर लेते थे, हम इंफॉर्मेशन को समझते थे, सुनते थे, लेकिन हम अपनी तरफ से अगर कुछ कम्युनिकेशन करना चाहें तो नहीं कर सकते थे। तो देखिए, टी के बाद कौन सा कंसेप्ट आया, आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि ये एक तरफा थी, इट वॉज वन वे कम्युनिकेशन। और ये वन वे कम्युनिकेशन होने के कारण क्या प्रॉब्लम हो रहा था, क्या दिक्कत थी इसमें, कि अगर हम एज ए ह्यूमन बीइंग अगर इसका प्रयोग करना चाहें तो हम कई बार विवश हो जाते थे कि हम अपनी समस्याओं को, अपनी बातों को कह ही नहीं पा रहे। फिर इसके बाद धीरे धीरे कंसेप्ट आया आईसीटी का, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए, हमने आपसे बात की थी बीच में कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन यानी कि जो हमारे पास टेक्नोलॉजी का इजाद हुआ, जो टेक्नोलॉजी आई उसने हमसे बातचीत करना भी शुरू कर दिया। अगर रेडियो भी था तो उसने बातचीत करना शुरू कर दिया, टेलीविज़न था उसने बातचीत, यानी कंप्यूटर जैसी चीज़ थी उसने भी अब हमारे लिए बहुत सरल हो गया। आपने देखा, टेलीफोन आया, कम्युनिकेशन, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो धीरे धीरे इस तरह से जो शब्द थे वो बदलते गए समय के साथ साथ। लेकिन आज जब हम बात करते हैं तो आईसीटी के अंतर्गत और भी बहुत सारी चीज़ें आ गई। जब हम ई लर्निंग की बात कर रहे हैं, यानी ई लर्निंग में कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व ज़्यादा हुआ, मशीनों से ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ, यानी जो इस समय आप और हम आमने सामने बैठे हैं वो क्या है, वो ई लर्निंग हो रही है। और ई लर्निंग में सिर्फ मशीन के द्वारा हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन बात कौन करने वाला कौन है, टीचर, लर्नर, हम दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। यानी अब आईसीटी में जो कंसेप्ट डाला गया या डालने का प्रयास किया गया, दैट वाज ह्यूमन टच। ह्यूमन टच, उसके साथ साथ इट शुड बी वैल्यू एनहांस्ड एंड देयर शुड बी सम इमोशनल एस्पेक्ट। अभी हमने जो आपसे एक चर्चा की थी, एक वीडियो की कहानी सुनी थी, वीडियो में ऐसा ऐसा, यानी वहां पे अगर पेरेंट ये जानने का प्रयास नहीं करेगा कि एक विषम परिस्थितियों में एक टीचर ऑनलाइन क्लास ले रहा है, तो कहीं पे हो सकता है कि नई नई परिस्थितियों में जब वो ऑनलाइन सामने आ रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है, तो हो सकता है कि उसका जो वो वहाँ पे बातचीत कर रहा है तो प्रोनंसिएशन हो सकता है गलत निकल जाए, हो सकता है कहीं पे वो स्पेलिंग है, तो इसके लिए हम उसको बहुत बड़ी सजा नहीं दे सकते हैं, बिकॉज टीचर इज ऑल्सो लर्निंग टू डिलीवर देयर लेक्चर ऑनलाइन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कैसे हम लेक्चर दें उसको सीख रहा है। और एज अ पेरेंट यू ऑल्सो नीड टू प्रोवाइड अ
बेसिक एंड पर्टिकुलर एंड गुड एनवायरनमेंट टू योर चिल्ड्रन ऑल्सो। हम बच्चों के सर पे बैठ जाते हैं, हम बच्चों के बगल में बैठ जाते हैं जब उनको ऑनलाइन क्लासेस उनके टीचर्स द्वारा दी जाती हैं, तो दैट टाइम स्टूडेंट ऑल्सो फील ऑकवर्ड, उसको भी थोड़ा मज़ा नहीं आता है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। और आप अगर पीछे से कमेंट करते हैं और कहते हैं कि अरे देखो टीचर ने ये गलती कर दी, तो जो स्टूडेंट के अंदर भी वैल्यू एनहांसमेंट होनी चाहिए वो नेगेटिव होने लगती, उसकी भी अपने टीचर के प्रति जो एक भावनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं विपरीत दिशा में जाने लगती हैं। तो जब भी हम ICT का प्रयोग करें, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग करें, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये तीन एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखें। फर्स्ट इज़ ह्यूमन टच, सेकेंड इज़ वैल्यू एनहांस्ड, एंड थर्ड इज़ इमोशनल एस्पेक्ट। और अगर हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो हम ये केवल एक मैकेनिकल एजुकेशन हो जाती है, मैकेनिकल लर्निंग हो जाती है, जिसका कोई यूज़ नहीं होता है फ्यूचर में। तो फिर इसलिए हमें इसको भी, क्योंकि अब जो परिस्थितियां आ रही हैं, जो फ्यूचर एजुकेशन होगी, वो फ्यूचर एजुकेशन हमारी मोस्ट ऑफ द टाइम वी नीड टू अडॉप्ट दिस काइंड ऑफ लर्निंग प्लेटफॉर्म्स ओनली। वी नीड टू लर्न थिंग्स विद द हेल्प ऑफ मोबाइल, लैपटॉप, विद द हेल्प ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड मैनी अदर इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो इसलिए बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, ICT में ये तीन चीज़ों को ज़रूर इनकलकेट करिए, और जब करेंगे तभी आप अच्छी एजुकेशन, अच्छी ई लर्निंग कर और करा पाएंगे। और एक अगर, क्योंकि अगर हम बार बार देखें कि हम ऑनलाइन जो क्लासेज, जो ई लर्निंग की बात कर रहे हैं, वो जो ये टेक्नोलॉजी है, वी कैन नॉट सब्स्टिट्यूट आर फेस टू फेस टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। हम बिल्कुल भी अपनी फेस टू फेस को इसका ये सब्स्टिट्यूट कभी भी नहीं हो सकता है। ये केवल एक सप्लीमेंट की तरह है कि हमारे पास अगर नहीं है कोई इस समय रास्ता, तो वी कैन सप्लीमेंट आर एजुकेशन, क्योंकि हम उनको एड ऑन चीज़ें दे सकते हैं, एड ऑन चीज़ें बता सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है कि ई लर्निंग का कंसेप्ट, और अगर हम एक बड़ी सिंपल सी बात करें, आपसे एक सिंपल सी भाषा में कहें, तो आपने देखा होगा कई बार हम बात करते हैं कि आसन और एक्सरसाइज, योगा और जिमिंग, दोनों का डिफरेंस आप भी जानते हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस इन दीज टू टेक्निक्स। हम आसन करते हैं तो उसके क्या प्रभाव होते हैं हमारे शरीर में, और हम जिमिंग करते हैं तो उसके क्या प्रभाव होते हैं। इसी तरह से फेस टू फेस टीचिंग होती है और एक ई लर्निंग होती है, लेकिन दोनों को अगर हम संभल कर अच्छे से करते हैं तो दोनों के हमेशा हमारे शरीर पे, हमारे मन मस्तिष्क में पॉजिटिव प्रभाव होंगे। लेकिन अगर हम इसको सही तरह से प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारे लिए कहीं ना कहीं समस्या होगी। अब यहाँ पे ई लर्निंग का जो कंसेप्ट है, यहाँ पे देखिए दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट क्या हैं? व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट ई लर्निंग, मीन्स समवेयर टीचिंग इज ऑल्सो गोइंग ऑन एंड समवेयर लर्निंग इज ऑल्सो गोइंग ऑन, मीन्स साइमल्टेनियसली बोथ थिंग्स आर गोइंग ऑन। लेकिन फिर भी ई लर्निंग में टीचिंग और लर्निंग के कंसेप्ट को अगर हम लोग गहराई से देखें, तो टीचिंग क्या है? टीचिंग को अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो ये एक तरह से हमारा बाहरी बाह्य रूप से हम पे इम्प्लीमेंट या इम्पोज की जाती है। हम बाहर से, हम आपको कितना भी चाहें चीज़ों को सिखा लें, कितना प्रयास, यानी बाहरी रूप से हम आप पे इम्पोज कर सकते हैं, हम आपको पूरा लेक्चर दे सकते हैं, पूरा भाषण दे सकते हैं, बट लर्निंग कब होगी? व्हेन यू विल ट्राई टू लर्न। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप बिल्कुल भी उसको सीखेंगे नहीं। यानी लर्निंग इज़ ऑलवेज इंटरनल, ये आपकी रुचि, आपकी जो आवश्यकता है उस पर निर्भर करती है। तो ऐसे ही जो चीज़ें हम फेस टू फेस में करते हैं, वही चीज़ें हमें ई लर्निंग में भी करने की आवश्यकता होती है। ई लर्निंग में कैसे होती है कि जब हम टीचिंग के फेजेज अगर देखें, टीचिंग के फेजेज हम देखें, तो उसमें देर आर बेसिकली 3 फेजेज ऑफ टीचिंग, प्री टीचिंग, इंटरैक्टिव फेज एंड पोस्ट फेज। प्री फेज में हम क्या करते हैं कि सब चीज़ों की प्लानिंग करते हैं। अगर हमको आज क्लास लेना है तो हम पूरी प्लानिंग करेंगे कि आज हमें क्या पढ़ाना है, सबसे पहले कि किसको पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, व्हाट टाइप ऑफ टीचिंग एड्स आई विल यूज़, दिस एंड दैट, एवरीथिंग वी विल प्लान।
फिर इंटरैक्टिव फेज यानी व्हेनेवर वी गो इनटू आवर क्लासरूम एंड वी डू इंटरैक्शन विद आवर स्टूडेंट्स, तो हम बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं कि हम पढ़ाते समय हम देख लेंगे कि बच्चों का मन लग रहा है कि नहीं लग, यानी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी देखेंगे, फिजिकल एनवायरनमेंट को भी देखेंगे, सब चीज़ों का हम बहुत ध्यान रखते हैं। तो और उसके बाद जो हमने प्री फेज में तय किया कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ये हमारे लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स होंगे और बाद में हम इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करेंगे अपनी इस पर्टिकुलर 30-35 या एक घंटे की क्लास में, तो लास्ट में हम पोस्ट फेज में ये देखते हैं, ये चेक करते हैं वेदर आई वॉज एबल टू फुलफिल ऑल द ऑल ऑब्जेक्टिव्स और नॉट। तो अगर इनको नहीं कर रहे हैं तो यानी टीचिंग हमारी, जो हमारा टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स है वो पूरा नहीं हुआ। तो ये प्री इंटरैक्टिव और पोस्ट फेज को जब हम फेस टू फेस लर्निंग में ध्यान रखते हैं तो इट इज़ मैंडेटरी, इट इज़ मस्ट टू थिंक अबाउट दीज कंसेप्ट एंड फेजेस इन ई लर्निंग ऑल्सो। अब ई लर्निंग है क्या? ई लर्निंग कह लीजिए इसको, ऑनलाइन एजुकेशन कह लीजिए, साइबर लर्निंग कह लीजिए, वर्चुअल लर्निंग कह लीजिए या डिजिटल लर्निंग कह लीजिए, ये सारे कंसेप्ट ऑलमोस्ट एक ही हैं। तो इन्हीं का एक निचोड़ अगर हम बात करें तो ई लर्निंग यानी ई लर्निंग इन दिस रैपिड चेंजिंग वर्ल्ड वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू ओवरकम द लर्निंग चैलेंजेस एंड द पॉसिबल अचीवमेंट्स, जो हमारा प्रेजेंट टाइम है बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं। चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि दिस इज़ अ सडन चेंज इन आर लाइफ, सडन चेंज, और परिवर्तन होते ही रहना है लाइफ में। गौतम बुद्धा ने भी कहा था देर इज़ ओनली वन लॉ विच इज़ अनचेंजेबल, दैट इज़ लॉ ऑफ चेंज। और जब ये परिवर्तन होते ही रहना है तो वी शुड एक्सेप्ट दीज चेंजेस। अब हमने एक्सेप्ट कर लिया चेंज, तो ये चेंज हमारी लाइफ में जो हो रहा है उसको हम कैसे, जो गैप्स हो रहे हैं उनको ब्रिज करें, उनको कैसे इन गैप्स को हम पाटें। सो टू ब्रिज दिस गैप द कंसेप्ट सच एज ई लर्निंग, ई टीचिंग, ई टीचर्स हैज बिकम द पार्ट ऑफ इफेक्टिव एजुकेशन। हमारे एजुकेशन सिस्टम का ये एक पार्ट बन गया है और धीरे धीरे हो सकता है इसका परसेंटेज बढ़ता ही जाएगा, ई लर्निंग का कम नहीं होगा। यानी यहाँ पे जो इमरजेंस ऑफ ई हम कह लें, ये क्या है? यहाँ पे ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड इट रिलेट्स टू द यूज ऑफ इंटरनेट टू अंडरस्टैंड द वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज इंक्लूडिंग टीचिंग एंड लर्निंग। और अगर हम बहुत सिंपल वे में ई लर्निंग को समझना चाहें तो जस्ट वी कैन कंसिडर 5 A's। ए जो अल्फाबेट होता है, 5 A's। कैसे? ए, फर्स्ट ए इज एनीबडी, एनीथिंग, एनी टाइम, एनीवेयर, एनी डिवाइस। बस अगर हम ये कंसेप्ट अपने दिमाग में क्लियर कर लें तो ई लर्निंग के कंसेप्ट को हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ई लर्निंग में पहला ए यानी एनीबडी, यानी ये ई लर्निंग किसी के लिए भी है, कोई भी ई लर्निंग के कंसेप्ट को समझ सकता है, कर सकता है, जान सकता है। फिर दूसरा है एनीथिंग, एनीथिंग यानी कुछ भी हम पढ़ना चाहें, कोई भी चीज़ का ज्ञान लेना चाहें तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत इफ़ेक्टिव हैं। फिर तीसरा है एनी टाइम यानी हमारी जब इच्छा है, अगर हमारा अभी हमें टाइम ना होता तो हो सकता हम शाम को आपसे बात करते, शाम को ना होता तो दोपहर में करते, यानी किसी भी समय हम ई लर्निंग कर सकते हैं। फोर्थ कंसेप्ट इज एनीवेयर, यानी आप कहीं पर भी हैं, हम कहीं पर भी हैं, कहीं से भी कोई भी लर्न कर सकता है। इसके पश्चात एनी डिवाइस, यानी आपके पास डिवाइस के लिए भी कोई ऐसा वो नहीं है, आप किसी भी यानी आप लैपटॉप से, टैब से, मोबाइल से, आज आपके पास सब तरह की सुविधाएं हैं, आप किसी भी डिवाइस से ई लर्निंग कर सकते हैं। तो जो ई लर्निंग का कंसेप्ट था, जो जिनको हम इसके पाइनियर भी कहते हैं, बर्नार्ड लस्किन, इन 2001 ही एक्सप्लेन्स ई एज
वेरियस टर्म्स, उन्होंने ई के लिए जो कहा था वो बहुत सारे टर्म्स यूज किए थे. ई ही एक्सप्लेन्ड ई एज एक्साइटिंग, एनर्जेटिक, इंथुजियास्टिक, इमोशनल, एक्सटेंडेड एंड एजुकेशनल. एंड बेसिकली ई लर्निंग इज इंटरनेट इनेबल्ड लर्निंग. जो इंटरनेट इनेबल्ड लर्निंग है, यानी इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग, नॉलेज एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. अब आप देखिए, एक सिंपल से मान लीजिए, ये हमको एक प्लेटफॉर्म दिया गया कि हम इसमें आपसे बातचीत करें, तो कितनी सारी चीज़ें, ये एक तरह की ई लर्निंग ही हो रही है. और इसमें हम एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग, नॉलेज, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, सब कुछ एक साथ कर रहे हैं. तो ये दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर ई लर्निंग. अब इसमें जो हमारे ई लर्निंग के डिलीवरी मेथड्स होते हैं, हम एक दूसरे तक बातों को कैसे पहुँचाएँ, हम कैसे एक दूसरे से बातचीत करें, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसके जो डिलीवरी मेथड होते हैं वो हैं सिंक्रोनस लर्निंग, जिसकी हम बातचीत कर चुके हैं, यानी हमारे पास टू वे कम्युनिकेशन के कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ माध्यम होते हैं. दूसरा है असिंक्रोनस लर्निंग. तीसरा है इंस्ट्रक्टर लेड ग्रुप्स होते हैं. नेक्स्ट है सेल्फ स्टडी विद सब्जेक्ट एक्सपर्ट. कई बार हमारे पास इस तरह के ऑटोमेटेड चीज़ें होती हैं कि हम अपने आप पढ़ाई कर सकते हैं, और हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कुछ रोबोट टीचर्स होते हैं, उनके थ्रू वो हमें एक्सपर्ट एज एन एक्सपर्ट हमको एडवाइस बीच बीच में देते रहते हैं. तो इसलिए इस तरह के हमारे पास बहुत से प्लेटफॉर्म होते हैं इसको ई लर्निंग के डिलीवरी मेथड्स के. फिर हमारे पास वेब बेस्ड चीज़ें भी होती हैं, लाइक ब्लॉग्स, विकीज, वेरियस डिस्कशन फोरम्स, और कुछ नहीं भी है मान लीजिए हमारे पास, तो वी कैन गेट सम सीडीज आल्सो. इफ़ वी आर हैविंग सम सीडीज, वी कैन लर्न थ्रू दो सीडीज आल्सो. सारे प्रोग्राम, सारी चीज़ें बना के आपको सीडी, पेन ड्राइव, इन चीज़ों में दी जा सकती हैं. दोज आर ऑल्सो द मैथड्स ऑफ डिलीवरी ऑफ ई लर्निंग मटीरियल. इसके अलावा ऑडियो एंड वीडियो स्ट्रीमिंग, जो कि वीडियो स्ट्रीमिंग आप इस समय देख रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेथड्स ऑफ ई लर्निंग. इसी प्रकार से जो सिंक्रोनस और असिंक्रोनस लर्निंग है, ये ई लर्निंग का बहुत ही मजबूत बेस है, बहुत ही मजबूत बेस है, और ये आपको एक आधार देता है. तो सिंक्रोनस के कुछ मेथड्स होते हैं और कुछ असिंक्रोनस के. सिंक्रोनस के एग्जांपल्स हैं जैसे ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहे हैं, टू वे सैटेलाइट कम्युनिकेशन या ब्रॉडकास्टिंग होती हैं. इसके अलावा लाइव रेडियो ब्रॉडकास्टिंग आपने देखा होगा, कई सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ अपने प्रोग्राम्स चलाती हैं कि वो ऑनलाइन रेडियो के प्रोग्राम्स करती हैं, जिसमें कि वो क्वेरीज इमीडिएट लेती हैं स्टूडेंट से और उनको सॉल्व करती हैं. ऐसे ही ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है. असिंक्रोनस वाले होते हैं, उसमें सेल्फ पेस्ड कोर्सेस होते हैं, जैसे MOOC कोर्सेज जो चल रहे हैं. पहले CD बेस्ड होते थे, पहले केवल आपके पास मटेरियल पहुंचा दिया जाता था, बट नाउ यू आर हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स. यू आर मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर लर्निंग फ्रॉम वर्चुअल प्लेटफॉर्म. फिर आपके पास जो असिंक्रोनस के हैं वो क्वेश्चन आंसर के जो मॉनिटरिंग या मेंटरिंग सेशंस होते हैं, आपके ईमेल्स होती हैं, वीडियो टेप्स की क्लासेस होती हैं, या आपके प्री रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स हैं वो आपको दे दिए जाते हैं. तो ऑल दीज आर द प्लेटफॉर्म्स विच आर प्रोवाइडेड फॉर ई लर्निंग. अब यहाँ पे एक कंसेप्ट जो कहा गया था कि हम आपसे बातचीत करें, वो है इमर्जिंग ट्रेंड्स. ये तो हमने आपसे अभी तक सिंपल बात की कि ई लर्निंग क्या होता है, उसका कंसेप्ट क्या होता है, लेकिन ई लर्निंग में जो समय के साथ साथ कुछ कंसेप्ट नए नए आते जा रहे हैं. अगर हम यहाँ पे जो हमारे विद्यार्थी भी यहाँ पे बहुत सारे बैठे हैं, एंड दोज आर परसुइंग फॉर देयर नेट एग्जामिनेशन, और उनके जो सिलेबस बेस्ड हम बात करें, तो उनके सिलेबस में अभी कुछ पुरानी चीज़ें हैं. इमर्जिंग ट्रेंड्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सोशल लर्निंग है, आपका ब्लॉग्स है, चैट्स है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिस्कशन फोरम और वेब 2.0 टूल्स, ये सारी चीज़ें आपकी उसमें ई लर्निंग के इमर्जिंग ट्रेंड्स में हैं. लेकिन अगर हम
इसको अगर लेटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अभी में एमर्जिंग ट्रेंड्स क्या हैं, तो सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो चुका है। लेकिन पहले हम आपसे जो अभी बात करेंगे वो थोड़ा सा और चीज़ों की बात कर ले, उसके बाद हम लेटेस्ट प्रेजेंट की बात करेंगे उसमें, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे आपसे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। उसमें जैसे कि आपका जो आपके अगर हम यूजीसी नेट की सिलेबस की बात करें, हम अपने विद्यार्थियों को फोकस होकर बात करें, तो उसमें वेब 2.0 की बात की गई है, सोशल लर्निंग की, ब्लॉग्स की, डिस्कशन फोरम्स की, ये सब बात की गई, तो उस पर थोड़ी सी चर्चा और करते हैं आगे। जैसे कि सोशल लर्निंग, तो सोशल लर्निंग के लिए हमारे पास क्या क्या कंसेप्ट हैं, यानी जो हम जो भी व्हाटएवर टेक्नोलॉजीज़ whatever hardware and software technologies we are using for socialization, और यहाँ पे जब हम education point of view से बात कर रहे हैं तो we are not only talking about the socialization कि हम parties करने के लिए, हम से केवल interaction के लिए, केवल गपशप के लिए बात नहीं कर रहे हैं। Here I am talking about knowledge transformation के लिए, जो knowledge transition हम कर रहे हैं, जो हम यहाँ पर इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। यानी व्हाट टाइप ऑफ सोशल मीडियाज़, व्हाट टाइप ऑफ सोशल प्लेटफॉर्म्स वी आर यूजिंग फॉर नॉलेज शेयरिंग, तो ये इसका पहला कंसेप्ट है जो इमर्जिंग ट्रेंड्स में हम बात करते हैं ई लर्निंग के। फिर अगर यहाँ पे आप देखिए, बहुत बहुत बार बहुत कन्फ्यूज़न होता है, थोड़ा सा अपने जो ई लर्निंग और इससे थोड़ा सा हट के बात करते हैं कि जब हम कोई नई चीज़ को सीखते हैं, और आज हम देख भी रहे हैं बहुत सारे जो हमारे डिजिटल इमिग्रेंट्स या डिजिटल नेटिव्स की श्रेणी में आते हैं, उनको बहुत परेशानी हो रही है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स पे। परेशानी क्यों हो रही है? क्योंकि कई बार चाहत नहीं होती है सीखने की, कई बार चाहत होती है तो हमारी परिस्थितियाँ हमको अलाउ नहीं कर पाती हैं कुछ कारणों से। तो लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हम चाहे आज एजुकेशन की या लिटरेसी की डेफिनेशन भी देखें तो दैट इज़ ऑल्सो चेंज, वी नीड टू लर्न, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। यानी सीखना बंद तो जीतना बंद, हम सीखेंगे नहीं तो हम इस दुनिया में अपने को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो सीखने के लिए हमको सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो एक छोटी सी आपको कहानी सुनाते हैं, और कहानी में एक किरदार है, वो एक चित्रकार था और बहुत ही मशहूर चित्रकार था। बहुत दिन से वो बड़ा दुखी था और उसने कह दिया कि मैं बिल्कुल कोई भी अब चित्रकारी नहीं करूँगा, मैं पेंटिंग नहीं बनाऊँगा। तो उसके मित्र ने कहा, भैया ऐसा क्या हो गया, क्यों नहीं बनाओगे? तो उसने कहा कि मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही सुंदर सी एक पेंटिंग बनाई और चौराहे पे लगा दी, और वहाँ पे उसमें लिख दिया कि यदि इसमें कोई कमी हो तो आप इसको सही कर दें। और दूसरे दिन जब मैं उस पेंटिंग को देखने गया, लेने गया, तो उसमें कोई एक जरा सी भी स्पेस नहीं थी जहाँ पर कि किसी ने कोई सुझाव ना दिया हो या उसका क्रिटिसिज्म ना किया हो, पूरी पेंटिंग खराब हो गई पूरी पेंटिंग। तो ये ऐसे में मैं कैसे आगे इस कला को जीवित रखूं, कैसे करूं? तो उसके मित्र ने उसको एक बहुत बढ़िया सलाह दी, उसने कहा कि ठीक है, तुम फिर से एक पेंटिंग बनाओ और वहाँ पे चौराहे पे लगाकर उसको, उस पर लिखो कि इस पेंटिंग में यदि आपका कोई करेक्शन हो या कोई सुझाव हो तो कृपया वह सुझाव लिख दें, वो सुझाव को इम्प्लीमेंट कर दें, उसको कर दें। तो जब वो दूसरे दिन उस पे उसने बनाई पेंटिंग लगा दी, और जब वो फिर दूसरे दिन गया तो उसमें देखा वहाँ पर कहीं भी कोई निशान नहीं था। तो इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि सलाह आपको सब देंगे कि आप ऐसा ना करो, ये ना सीखो, वो ना सीखो, लेकिन अगर सुधार करने की ज़रूरत पड़ती है तो शायद ही कोई आपके पास आए। इसलिए हमेशा याद रखिए, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, आपको अपनी लर्निंग खुद करनी है। आपको आज कंप्यूटर जैसे चीज़ें किसी इंस्टीट्यूट में सीखने की आवश्यकता नहीं होती है, और जो हम डेफिनेशन की भी बात कर रहे थे, लिटरेसी की डेफिनेशन, आज हम उसको लिटरेट नहीं कहते हैं कि जो पढ़ना लिखना जानता है। सिंपल सी जो डेफिनेशन है लिटरेसी की, और वो डेफिनेशन है कि द पर्सन हु कैन रीड एंड राइट इज़ लिटरेट।
लेकिन आज की डेफिनेशन बिल्कुल चेंज हो गई है. डेफिनेशन क्या है कि द पर्सन हु इज विलिंग टू लर्न अनलर्न एंड रिलर्न वही लिटरेट होता है. लिटरेट पर्सन केवल वही है जो प्रयास करता है सीखने का, रिलर्न और अनलर्न करने का, यानी जो बातों की ज़रूरत नहीं है उनको भूलना, जिनकी हमें आवश्यकता है उनको सीखना. तो इस तरह से जो ई लर्निंग यानी हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जब नए नए आते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है. अब जब सिंपल सा आप इमेजिन करिए कि जब आपने पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, पहली बार आपने कोई सॉफ्टवेयर यूज़ किया, आपको बहुत परेशानी आई होगी. लेकिन आपने ज़्यादा कब सीखा, जब सेल्फ़ लर्निंग की, जब आपने सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की तब आपने ज़्यादा सीखा. लेकिन जब आप दूसरे के भरोसे बैठे तो आपका सीखना आधा अधूरा रह जाता है. तो इसलिए सलाह देने के लिए बहुत आते हैं, लेकिन सेल्फ लर्निंग करना आपका काम है. तो जो आपका ये ई लर्निंग का प्लेटफॉर्म है, अब आपको हम बताएं कि जो इमर्जिंग ट्रेंड्स की हम बात कर रहे थे उसमें ई लर्निंग के लिए, सेल्फ लर्निंग के लिए आपको हजारों चीज़ें दी हैं आपको इस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने सीखने के लिए. और आप तभी सीख सकते हैं जब आप सेल्फ मोटिवेटेड होंगे, सेल्फ विलिंगनेस होगी आपके अंदर, एंड यू विल बी सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लर्निंग. उसी में से एक इमर्जिंग ट्रेंड है, जो इमर्जिंग ट्रेंड ऑफ ई लर्निंग, दैट इज वेब 2.0 टेक्नोलॉजी. बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छी चीज़ें इसमें आप सीख सकते हैं. यहाँ पर हम आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट बताएंगे. जो बच्चे हमारे नेट की तैयारी भी कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी आते हैं जो वेब 2.0 टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, तो इन चीज़ों को आपको सीखने की आवश्यकता है. यानी जब हमने आपसे बात की कि टी, फिर आईटी, फिर आईसीटी आया, यानी धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस होते गए, टेक्नोलॉजिकल चीज़ें बढ़ती गईं, तो इसमें जो वेब 2.02 था उसमें जो कंसेप्ट था वो बिहेवियरिज्म से कंस्ट्रक्टिविज्म की तरफ आया. और अगर इसकी हम बहुत चर्चा इस समय नहीं कर सकते क्योंकि समय चाहिए उसके लिए, लेकिन एक सिंपल सेंटेंस में बता दें कि बिहेवियरिज्म की जब हम बात करते हैं तो उसमें कंसेप्ट आता है रेनफोर्समेंट, प्रोवाइडिंग स्टिमुलस, क्रिएटिंग कॉर्डियल रिलेशनशिप विद द कंटेंट. यानी जो कंटेंट होता है वो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करता था, रेनफोर्समेंट देता था. और लेकिन ज़्यादातर चीज़ें वन वे थी. लेकिन जब वेब 2.0 टेक्नोलॉजी आई तो उसमें कंस्ट्रक्टिविज्म का जो एम्फेसिस था वो बढ़ा. कंस्ट्रक्टिविज्म का कैसे बढ़ा, अब देखिए आप MOOCs की वर्चुअल क्लासेस की जब बात करते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट क्या आई कि इसमें आप कोलैबोरेटिव लर्निंग कर रहे हैं, कोऑपरेशन से कर रहे हैं, पीयर लर्निंग कर रहे हैं, आप बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से सीख रहे हैं और सेल्फ लर्निंग भी कर रहे हैं और आप नॉलेज का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, नॉलेज क्रिएशन ज़्यादा हो रहा है. ये टू वे कम्युनिकेशन की बात करता है. तो इस तरह से जो वेब टूल्स हैं, जो वेब 2.0 टेक्नोलॉजी है, दैट इज़ वेरी वेरी रेलिवेंट एंड वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ई लर्निंग. अब इसी में ही जब हम वेब 2 टूल्स की बात करते हैं, या सिंपल अगर वेब टूल्स की भी बात कर ले, तो जो द फंडामेंटल गोल ऑफ वेब टूल्स इज टू हैव स्टूडेंट्स लर्न थ्रू वैरायटी ऑफ मेथड्स लाइक रिसर्चिंग, राइटिंग, वीडियो, डिस्कशन, टेक्नोलॉजी. ये सारी चीज़ों की हम यहाँ पर बात करते हैं कि इन चीज़ों के थ्रू हम कैसे पढ़ते और पढ़ाते हैं, कैसे ई लर्निंग होती है. और जो वेब 2.0 टेक्नोलॉजी थी, ये एक कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंटेशन था. यानी जो चीज़ें हमारे पास, जो चीज़ें एमर्ज हो चुकी थी, वो सारी चीज़ें धीरे 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 एक्सपेरिमेंट के थ्रू और अच्छी हुई. पहले केवल कोई इन्फॉर्मेशन देने वाली चीज़ें थी तो वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में चेंज हुई, यानी इंटरैक्टिव हो गई. हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं इन टूल्स के माध्यम से. इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों तरह के टूल्स थे. तो देखिए, ये जो वेब 2.0 टेक्नोलॉजी थी, इसका जो एमर्जेंस की हम बात करें तो द कंसेप्ट ऑफ वेब 2.0 एमर्ज अराउंड 2004.
एंड क्रेडिट ऑफ इट्स ओरिजिन गोज टू ओ रियली, उनकी हम चर्चा करते हैं यहाँ पे कि उनके ही द्वारा, उन्हीं को हम पायनियर कहते हैं, और उन्होंने ही 2004 में इस कंसेप्ट को लाए थे कि कैसे जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के कुछ टूल्स हैं वो कैसे हमारे लिए हेल्पफुल हैं। तो अब क्योंकि एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, एमर्जिंग ट्रेंड्स में ई लर्निंग के बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ फोकस वेब 2.0 टेक्नोलॉजीज़ की ही कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको और बता दें अंत में इसमें कि जो इसकी विशेषताएं हैं, विशेषताएं क्या हैं। अब आप देखिए, जब हम ई लर्निंग की आपसे बात कर रहे हैं तो ई लर्निंग में बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जिसमें हमको बहुत ज़्यादा किसी की हेल्प नहीं चाहिए होती है, हम धीरे धीरे चीज़ों को खुद ही सीख लेते हैं। तो ई लर्निंग बहुत अच्छा एक माध्यम है, ई लर्निंग जो प्लेटफॉर्म है आपके लिए, जो जिसमें आप चीज़ें सीखते हैं। तो जब हम वेब 2.0 टूल्स की बात करते हैं तो इनकी विशेषताओं में पहली विशेषता आती है, दीज आर वेरी यूजर फ्रेंडली। आप सिर्फ आइकन देख देख के ही चीज़ों को सीख सकते हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करने की आवश्यकता नहीं होती है। देर इज़ नो नीड टू बी टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट, आपको बहुत ऐसे एक्सपर्टाइज नहीं चाहिए और बहुत इजीली आप चीज़ों को सीख सकते हैं। इसका उदाहरण आपने देखा होगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंस, यानी आपको अगर कहा गया कि यू नीड टू कंडक्ट सम वेबिनार्स और यू नीड टू ज्वाइन सम वेबिनार्स, तो आपको किसी ने सिखाया नहीं, आपने धीरे धीरे चीज़ों को सीखा। ये सब यूज़र फ्रेंडली, जितने नए नए टूल्स आपके पास आ रहे हैं ये सब आपको बहुत हेल्पफुल होते हैं। यानी पहली विशेषता होती है इसकी कि दीज आर वेरी यूज़र फ्रेंडली टूल्स। देन कम्युनिकेशन वर्सटैलिटी, आप इसमें बहुत आराम से 1-to-1, मैनी टू वन, मैनी टू मैनी, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन आराम से कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से कैसे भी आप इसमें कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी जो विशेषता होती, दैट इज़ एम्बिक्यूटस, यानी आप ये जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर टूल्स हैं आपके पास, ये कहीं भी साइमल्टेनियसली आप यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको फेसबुक यूज़ करना है तो उसी समय आप अपने मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं, उसी समय आप अपने लैपटॉप पे भी कर सकते हैं, आपके पास मीन्स दीज आर अवेलेबल एवरीवेयर, कहीं पे भी। आप आज विदेश चले गए तो वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, आप दूसरे शहर चले गए तो भी यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज मीडिया वर्सटैलिटी, ये जो वेब 2.0 टूल्स होते हैं, टेक्नोलॉजीज होती हैं, दे प्रोवाइड मल्टीमीडिया ऑप्शंस आल्सो फॉर यू। मल्टीमीडिया ऑप्शंस यानी आप इसमें ऑडियो वीडियो किसी भी तरह के चीज़ों को देख सकते हैं। फिर एक जो बहुत बढ़िया और अच्छी जो इसकी विशेषता है वो है कि दीज टूल्स अलाउ राइटिंग एंड एडिटिंग टू। आपको ये राइटिंग और एडिटिंग दोनों चीज़ों के लिए आपके पास ये बहुत हेल्पफुल होती है। आपको कोई चीज़ लिखना है, कुछ एडिट करना है, आपने गड़बड़ लिख दिया, आप उसको फिर से सुधारना चाहते हैं, तो ये जो साधन है ये आपको बहुत बढ़िया से आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। अब क्योंकि थोड़ी समय सीमा होती है, बहुत सारी इसमें इमर्जिंग ट्रेंड्स में बात करने के लिए हमारे पास मुद्दे हैं, लेकिन अभी शॉर्ट में हम कुछ चीज़ों पे आते हैं कि जो ये जो वेब 2.0 टेक्नोलॉजीज थी और जब जो आज चेंज हो रहा है, यानी इन्हीं में ही कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होते आ रहे हैं, तो ये जो मॉडिफिकेशन हैं ये कैसे हैं, ये किस तरह से और हेल्पफुल हैं हमारे लिए, इस पे भी आपसे आगे और जब आपसे इंटरेक्शन करने का अवसर मिलेगा तो आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आपसे जाने से पहले थोड़ी सी ये बात ज़रूर कर लेते हैं कि जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, कुछ तो हमने अभी बात की कि जो सिलेबस बेस्ड हैं, जो हमारे स्पेशली जो बच्चे यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं हमारे साथ उनके लिए, लेकिन जो अभी हम वर्तमान की बात करें तो उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आती हैं जो इमर्जिंग ट्रेंड्स इन ई लर्निंग हैं, जो नवीन प्रवृत्तियां हैं, जो अभी आज हम, क्योंकि आज ही नहीं जो आगे आने वाले समय में हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं, जिनकी शुरुआत हमें आज से करनी होगी सीखने के लिए। क्योंकि जनरली हम करते क्या है, आजकल ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में भी कॉलेजेस में भी कहा जा रहा है कि आपको ई कंटेंट डेवलप करना है, आपको मूक्स बनाने हैं, आपको मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज डेवलप करने हैं,
और बहुत सारे टीचर्स में बहुत उत्साह भी है, बहुत अच्छा वो डेवलप कर भी रहे हैं, लेकिन कुछ बातें हम नहीं समझ पाते हैं. सपोज आई हैव डेवलप्ड अ वेरी गुड मूव, बट इफ़ आई एम नॉट एबल टू लॉन्च दैट प्रोग्राम, हमें नहीं पता कि उसको कहाँ पे किया जाए, ई लर्निंग का कौन सा प्लेटफॉर्म है, हमने प्रोग्राम तो बना लिया लेकिन उसको कहाँ से कैसे किसके द्वारा देना है. ये बिल्कुल वैसी ही बात हो जाती है जब हम बात करते हैं कि हम मंगल पे जाएंगे, मंगल पे रहेंगे, मंगल पे हम फ्लैट बना लेंगे, मंगल पे हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा, लेकिन हम बात उसकी नहीं करते हैं कि हम पृथ्वी से मंगल तक जाएंगे कैसे, हमारे पास रास्ता क्या होगा. तो इसलिए वही चीज़ यहाँ पर भी है कि हम कितने बड़े बड़े अच्छे कोर्सेज बना लें, सब कर बना लें, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का एक सरल रास्ता एज अ टीचर, एज अ लर्नर क्या होगा, उसको सीखना बहुत ज़रूरी है. तो जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं अभी वर्तमान में जो हैं, वो सारी चीज़ें बस सिर्फ हम आपसे टर्म्स बता के यहाँ पे अपनी बात को समाप्त करेंगे कि जो इमर्जिंग ट्रेंड्स में लेटेस्ट टर्मिनोलॉजीज और क्या हैं. पहली है मोबाइल लर्निंग, कि मोबाइल लर्निंग की अब जो कंसेप्ट आ रहा है, आ चुका है बल्कि ये, लेकिन भविष्य में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है कि मोबाइल लर्निंग यानी मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू मोबाइल रहकर हम कैसे चीज़ों को लर्न करते हैं, कैसे चीज़ों को सीख सकते हैं. दूसरा टर्म सोशल लर्निंग, इसकी हमने थोड़ी सी चर्चा आपसे की थी कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू हम कैसे सोशल लर्निंग, सोशलाइजेशन एंड स्पेशली विद रेफरेंस टू एजुकेशन कैसे करेंगे. सोशलाइजेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि हम स्टूडेंट और टीचर और पेरेंट्स का आपस में इंटरेक्शन कैसे कर सकते हैं, कैसे उनसे कनेक्टेड रह सकते हैं. फिर इसके बाद और जो टेक्नोलॉजीज आती हैं, दैट इज़ माइक्रो लर्निंग. माइक्रो लर्निंग का मतलब यहाँ पर है कि जब हम जैसे क्लासरूम की बात करते हैं, हम मान लीजिए एक घंटे का कोई क्लास ले रहे हैं, लेकिन उसमें एक बेसिक कंसेप्ट, छोटी सी चीज़, मान लीजिए हम क्वेश्चनिंग टेक्निक की बात करते हैं, तो वो एक माइक्रो लेवल पे चीज़ हो जाती है सीखने की, कि अगर हम कुछ क्वेश्चनिंग टेक्निक को समझ रहे हैं. तो यहाँ पर भी माइक्रो लर्निंग की जो हम बात कर रहे हैं, माइक्रो लर्निंग का मतलब है कि हम कैसे 2 से 7 या 8 मिनट की कोई ऐसी क्लिपिंग्स डेवलप कर सकते हैं जिसके थ्रू हम पढ़ना और पढ़ाना कर पाएँ. ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी डिवाइसेस हैं, ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर टूल्स हैं जिनसे हम माइक्रो लर्निंग, छोटे से कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम कौन सी डिवाइसेस यूज़ करें, थोड़े से समय में कैसे करें, ये सब चीज़ें आती हैं. इसके बाद नेक्स्ट है वीडियो बेस्ड लर्निंग. वीडियो बेस्ड लर्निंग कौन कौन सी होंगी, कैसे होंगी, इनको हमें सीखने की ज़रूरत है. नेक्स्ट इज अडेप्टिव लर्निंग. फिर इसके बाद आता है बिग डेटा इन लर्निंग. बिग डेटा की बहुत बात हो रही है, जो हमने आपसे बात की थी LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में कि जब हमारे पास, मान लीजिए हमने एक LMS बनाया, हमने एक पूरा ऐसा एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया जिसमें कि हम सबको एक पर्टिकुलर कोर्स कराएंगे, कोर्स कराने के बाद हम उनका एग्ज़ाम भी लेंगे और उनको सर्टिफिकेट भी देंगे. तो हमारे पास मान लीजिए 100 लोग आ जाते हैं सीखने के लिए, तो अब उस जो 100 लोग हमारे पास आए थे, उन 100 लोगों का डेटा हमारे पास आया, फिर हम पूरे टाइम पे, मान लीजिए हमने 4 हफ्ते का कोई कोर्स डेवलप किया, उन 4 हफ्तों में हम ये चेक करते हैं कि जो हमारा लर्नर है उसकी डिमांड क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसको कौन सी ऐसी चीज़ है जो कोर्स में अच्छी नहीं लगी, यानी पूरी चीज़ों का हम पूरा एक एनालिसिस कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बिग डेटा विच वी गेट विद द हेल्प ऑफ लर्निंग सपोर्ट सिस्टम या लर्निंग मैनेज्ड सिस्टम. तो इससे, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि अपने भविष्य की प्लानिंग कर सकते हैं, भविष्य के एजुकेशन सिस्टम की प्लानिंग कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इस पर बहुत बात करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही हो रहा है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, तो उसको भी पढ़ने की ज़रूरत है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से वर्क कर रही है. बहुत ज़्यादा कंप्यूटर प्रोफेशनल की तरह नहीं, बट एज अ टीचर, एज अ लर्नर, वी मस्ट बी अवेयर अबाउट दीज कंसेप्ट. फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो हमारे और आपके लिए एज अ टीचर, एज अ लर्नर कंसेप्ट आ रहा है, दैट इज़ कंटेंट क्यूरेशन.
क्यूरेशन मीन संकलन, हम जो विषय वस्तु है उसका जो संकलन कर रहे हैं वो संकलन कैसे करें, कैसे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराएं और कैसे इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो आज हमने सब आपसे ई लर्निंग और ई लर्निंग के जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं उसके बारे में बात की, और साथ में अंत में बस आपको यही बताना चाहेंगे कि यूज़ दीज टेक्नोलॉजीज बट इन अ एप्रोप्रिएट मैनर। कैसे यूज़ करना है कि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे, क्योंकि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं वी ऑलवेज टॉक अबाउट 3H, हेड हार्ट एंड हैंड्स, यानी अपने मस्तिष्क के एनहांसमेंट की बात करते हैं, अपने हृदय के एनहांसमेंट की बात करते हैं, अपने कौशलों के एनहांसमेंट की बात करते हैं, लेकिन चौथा एच नहीं भूलना चाहिए, दैट इज़ अबाउट हेल्थ। और अगर हम टेक्नोलॉजीज़ का प्रॉपर यूज़ नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारी हेल्थ को कल को प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो ई लर्निंग के साथ साथ वी शुड लर्न दीज थिंग्स ऑल्सो। Now my all best wishes to all of you. Thank you so much. Thank you. If you have any query, you can write in your in this chat box. Then in future also, I'll check and I'll try to give all answers. Thank you so much.